नमस्ते किसान, मैं पवन पाटिल, मुक्ताई नगर, डिस्ट्रिक्ट जलगांव, महाराष्ट्र से। आज हम है यावल तहसील में, न्हावी करके गांव है। यहाँ पे कुछ अपना रेवा का प्लांटेशन हुआ है और गणेश भैया भी मेरे साथ में है और किसान भी है, तो जानते हैं किसान से ही। नमस्ते दादा। नमस्कार काका। नमस्कार। आपलं नाव आणि परिचय? प्रदीप दुलावा एकोडे, न्हावी, तालुका यावल, जिल्हा जळगाव। जी पवन भैया जी, ये कब लगा हुआ है सर पौधा प्लांटेशन? 25 जून को लगाया है। अच्छा अच्छा, 70-30 कंसेप्ट में आपने लगाया हुआ है ना? रेवा G9 का पौधा 5x7 पे लगा है। पवन भाई जी, ये अगर देखे 70-30 अगर किसको समझना है तो ये लाइन से लाइन 5 फीट और पौधे से पौधे की दूरी 7 फीट, दो पौधे के बीच में ये पौधा है ना जी। तो ये पौधे में और ये पौधे में 10 फीट का गैप आता है, दो पत्तों को फोटोसिंथेसिस के लिए। और अभी 5 महीने कम्प्लीट हो गए, 6वां महीना अभी लगा है ना, काका ने बेबी भी रख दिया है। और पौधे की तने की मोटाई अगर हम गिने तो लगभग 25 से 30 के लगभग मिलेगी हमें। थोड़ी न्यूट्रिशन मैनेजमेंट पुअर मुझे समझ में आ रहा है काका जी, जो ये पौधे है ना, ये पत्ते जो चोंच से अंदर जाएंगे तो पौधे को न्यूट्रिशन की बैलेंस नहीं हो पाई है, ये इसका सिम्टम है ना। लेकिन पत्तों को अगर दिखाए पवन भैया जी, तो पत्तों में करपा और सिगाटोका और चरका ये चीजें आपको नहीं देखने के लिए मिलेगी। ये पत्ते मैं आपको बताऊं, ये वाला पत्ता और नॉर्मल ये पत्ता, ये न्यूट्रिशन कम होने के वजह से ये रिवर्स जा रहा है, मतलब पौधे को जो पुशिंग चाहिए अभी वो ये पत्तों से ले रहा है। तने की मोटाई भी अपन गिनते हैं, इधर दिखाओ पवन में, करीबन 32 इंच के लगभग इसके तने की मोटाई बन गई है, मतलब 5 महीने में अच्छी ग्रोथ इसने ली है। ये बेबी कब रखना है? एक 25 इंच का तना और 5 से 6 महीने के बाद, तो अपना 6वां महीना तो चालू हो गया। 5x7 में ये चीजें अपन कर सकते हैं। इंच मतलब अगर हम लोग बात करें कि ऑल प्लांट में करीबन मोटी तने की मोटाई 29 इंच, 29, 30, 32 है ना। अभी इसमें भी क्या चला रहे हो आप फर्टिकेशन शेड्यूल? इसमें क्या अभी वो 10-26 वो इसमें डाल के डाले लाइक खत में। अभी सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि ये नाली जो है ना, नाली थोड़ी गहरी चाहिए थी ताकि पानी का वापसा कंडीशन अगर दे भी तो पट से हो जाए। दूसरा, पौधा न्यूट्रिशन खींच रहा है, ये पत्ते जो ड्रॉप हो रहे हैं न्यूट्रिशन खींच रहा है, तो थोड़ी बहुत मुझे न्यूट्रिशन पुअर मालूम होती है। तो इसके लिए अभी क्या करो, तुरंत अभी ठंडी का मौसम भी आ गया है, तो ठंडी के मौसम में 1000 पौधों के लिए 2 किलो कड़ी का चूना, ये 100 लीटर पानी में 1000 पौधों के लिए 2 किलो कड़ी का चूना डालना है। भड़बड़ भड़बड़ करेगा, नीचे बैठेगा तो ऊपर की जो पानी बचेगा वो आपको ड्रिप से अप्लाई करना है, ड्रिप से छोड़ देना है। और उसके 2 दिन बाद सल्फ्यूरिक एसिड ट्रीटमेंट आपको करना है, बराबर। और कैपिंग वगैरह तो प्रॉपरली है, ऑक्सीजन वगैरह भी बन गया है, ये एरोमा पाउडर भी आपको दिखाई दे रहा है। आगे के लिए मैं कुछ बताना चाहूंगा आपको कि इसको कंटिन्यूस में क्या देना है। कैल्शियम नाइट्रेट वगैरह कब दिया था? 1 महीना हो गया उसको। कैल्शियम नाइट्रेट, सल्फ्यूरिक एसिड, आपने दे सल्फर। अच्छा, कैल्शियम नाइट्रेट के साथ में सल्फर दिया था, सल्फर WDG दिया था क्या? अच्छा, अभी देना था पर ये लाइन हमारी चली गई पानी की वजह से आई। दिन में अभी इसमें देना है आपको 1000 पौधों के लिए 150 लीटर पानी,
1.5 लीटर फॉस्फोरिक एसिड, 10 किलो डीएपी, 5 किलो अमोनियम सल्फेट, 6 किलो पोटेश, सब एक ही, हाँ 6 किलो पोटेश और 3 किलो मैग्नीशियम सल्फेट। इसका घोल बनाना है, जब पानी में फॉस्फोरिक एसिड आप डालोगे तो डीएपी घुल जाएगा, उसके बाद में ये सारी चीज़ें डालना है। और ये पूरी रेसिपी होने के बाद 5 किलो यूरिया ऐड करना है इसमें और 100 ग्राम पोटेशियम हुमेट। ये घोल बनाकर 200 लीटर में ये घोल बनेगा, ये हर 5-5 दिन में आपको 1 महीना भर ड्रिप से अप्लाई करना है और हफ्ते में एक बार 1000 पौधों के लिए 4 किलो कैल्शियम नाइट्रेट और उसके साथ में देना है आपको 100 ग्राम बोरान, ये ड्रिप से जाना चाहिए। ये इतनी चीजें आप कर लीजिए, बाकी एज इट इज में पौधे तो आपके काफी अच्छे हैं, आपने बेबी भी छोड़ दिया है। लेकिन और एक चीज मैं बताना चाहूंगा, जो व्यक्ति भी 5x7 झिकझक पे जा रहा है और रेवा का पौधा लगा रहा है, 5 महीने में अगर आपके तने की मोटाई 25 इंच है और आपके 25 पौधे के लगभग आप पत्ते आ गए हैं तो आप बेबी रख सकते हो। लेकिन 90 से 100 दिन में, जो 90 पौधे लगाने के बाद 90 से 100 दिन का जो पीरियड रहेगा आपका, उस समय में आप इस बेबी को कट करके किल कर सकते हो और यहाँ पे यूरिया डाल देना है। अभी इस सिचुएशन में आप इसको किल नहीं कर सकते हो, ड्रिल नहीं कर सकते हो, डालना है क्या? इसको अभी क्या कर सकते हो आप, नॉर्मली इसको कट करके इसके ऊपर खुटी वगैरह आप डाल सकते हो ताकि इसकी ग्रोथ नहीं हो, है ना। तो आपको फल में भी वेट अच्छा मिलेगा और बाजू वाला जो बेबी है ये भी अच्छा चलेगा, बराबर। अभी ड्रिल किया तो चलेगा, ड्रिल किया तो अभी क्या होगा, फल आने की अभी पौधा कगार पे है, 1 महीने में आपको फ्लावरिंग भी दिखेगा। उस समय में जैसे जैसे फल भराई होगी वैसे वैसे आपने अगर अभी किल किया तो ये नीचे वाले ये जो है ये रिलीज होना चालू हो जाएगा, तो वहां पे जमीन ढीली हो जाएगी, तो पौधे के जो रूट स्ट्रक्चर है वो ढीला हो जाएगा, तो पौधा तट से नीचे गिर जाएगा। तो इस कंडीशन में नहीं करना है, पौधा लगाने के बाद 90 से 100 दिन में। फिर बाद में कब करना है, जब पूरा फल कट जाएगा अपना, ये बेबी अपना ऊपर आ जाएगा, 3 महीने का हो जाएगा, उस समय में फिर इसको कट करके इसको ड्रिल कर देना है और उसमें यूरिया डाल देना है। ये सेकंड समय आएगा तब, सेकंड, हाँ अभी नहीं करना है। बाकी एज इट इज में अच्छा है। ओके जी, थैंक यू थैंक यू।